हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीजीटी कॉमर्स एग्जाम में ही पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माई फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया था, कब किया गया था? 1 जून 2000 से 1 जून 1999 से या 1 जुलाई 1999 से। इसको एक टेस्ट की तरह से भी आप ले सकते हैं। तो क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 1 जून 2000 से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो लागू किया गया भारत में वो 1 जून 2000 से लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का जो आकलन किया जाता है, योजना आयोग करता है, वित्त आयोग करता है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है यानी सीएसओ द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों राइट आंसर जो है वो सी ही है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट, भारत में विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम लागू किया गया यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया 5 जुलाई 1978, 1 जून 1980, 10 सितंबर 1973 या 1 जनवरी 1979 में। क्या आंसर होना चाहिए इसका राइट? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1973, यानी 10 सितंबर 1973 इसका राइट आंसर है। भारत में विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम लागू किया गया था 10 सितंबर 1973 से। कपार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी एक स्वायत्त संस्था जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है। क्या वो कृषि मंत्रालय है या उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग या ग्रामीण विकास मंत्रालय? दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने विधिवत कार्य शुरू किया 1 जनवरी 1993 से, 1 जनवरी 1994 से, 1 जनवरी 1995 या इनमें से कोई भी नहीं है। राइट आंसर है दोस्तों इसका 1 जनवरी 1995, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? LIC की स्थापना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, यानी ऑप्शन जो आपका ये सी वाला है ये बिल्कुल सही है। LIC की स्थापना 1956 में की गई और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई में इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। केंद्रीय सांख्यिकी संघ की स्थापना कब हुई? CSO की स्थापना कब हुई? CSO का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में और इसकी स्थापना की गई थी कब की गई थी दोस्तों? 1950, 1975, 1951 या 1980? राइट आंसर है इसका 1951, यानी कि 2 मई 1951 में इसकी स्थापना की गई थी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो राइट आंसर है 1951। भारत विश्व बैंक का सदस्य बना, भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना था? यानी देखिए इसका जो विश्व बैंक का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो वाशिंगटन DC में है और ये सदस्य कब बना था ये पूछा गया है आपसे। क्या वो 1945 है, 1975 है, 1950 है या 1980 है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 27 दिसंबर 1945। ठीक है, तो 27 दिसंबर 1945 यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ये 1945। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है, यानी देखिए इसका जो IMF का मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है और ये क्या देता है, कैसा ऋण देता है? तो संकटकालीन ऋण देता है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, संकटकालीन ऋण प्रोवाइड कराता है। UNCTAD यहाँ पे दिया हुआ है, ये UNCTAD इसकी स्थापना पूछी गई है आपसे। UNCTAD की स्थापना कब हुई? 1964, 1976, 1971 या 1968? इसकी फुल फॉर्म होती है UNCTAD की, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो आपसे पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? ADB
एशियन डेवलपमेंट कहा जाता है इसको, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी एशियन डेवलपमेंट की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला फिलीपींस, यानी ऑप्शन जो ये बी वाला है वो सही है, मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 में। मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है मार्शल का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मार्शल का कथन है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा निर्गमन के लिए कौन अधिकृत है? भारत में मुद्रा निर्गमन के लिए अधिकृत जो है वो है RBI, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। खुले बाजार की क्रियाएं हिस्सा है आय नीति का, राजकोषीय नीति का, मजदूर नीति का या साख नीति का, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, साख नीति। ALM as used in banking finance sector, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि क्या है ALM की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में देता है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा रेट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेपो रेट, यानी ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। सेंट्रल बैंक लेंड करता है बैंक्स को, ठीक है, लोन्स वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर? रेपो रेट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका ऑथर कौन थे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के? दोस्तों इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ही थे ऑथर इस बुक के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है, इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इनकी बुक 1776 में छपी थी, पब्लिश हुई थी, और इनकी बुक में इन्होंने डेफिनेशन दी क्या कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी इस बुक के अंदर कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स जो निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करता है वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। और ये वेल्थ डेफिनेशन दी गई थी, और अदर वेल्थ डेफिनेशंस जो दी गई थी वो JB सेके द्वारा दी गई कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस जो कि डील करती है वेल्थ से। JS मिल की डेफिनेशन दी गई कि इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये JS मिल की डेफिनेशन थी। इसके अलावा वाकर ने भी दी थी कि FA वाकर ने कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ नॉलेज विच इज़ रिलेटेड टू वेल्थ, ये सभी डेफिनेशंस वेल्थ से रिलेटेड थी। रिकार्डो की भी डेफिनेशन थी कुछ कि शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कहीं ना कहीं ये डेफिनेशंस आपको एक दो बार पढ़ पढ़ कर देखनी पड़ेंगी, तभी आपके माइंड में बैठेगी और याद होगी, क्योंकि याद ही करना इसका ऑप्शन होता है डेफिनेशंस वगैरह का। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऑथर कौन थे? तो अल्फ्रेड मार्शल, 1890 में इनकी ये बुक छपी थी, और अल्फ्रेड मार्शल ही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक के ऑथर जाने जाते हैं। इकोनॉमिक्स को इन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है मैनकाइंड की इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट इंटीमेटली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजाइट्स ऑफ वेलबींग। मार्शल ने भी कुछ डेफिनेशन दी, बोला कि मार्शल गेव मोर इम्पोर्टेंस, इन्होंने मार्शल ने इम्पोर्टेंस दी किसको? ह्यूमन वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है, इन कंपेरिजन टू वेल्थ। ही एम्फसाइज दैट वेल्थ इज फॉर मैन, इन्होंने बोला था कि वेल्थ जो है मैन के लिए है एंड नॉट मैन फॉर वेल्थ। बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए एडम स्मिथ और मार्शल की डेफिनेशन में, तो हमें ये देखने को मिलता है कि एडम गिव्स स्ट्रेस ऑन अर्निंग ऑफ वेल्थ, एडम ने जो जोर दिया है वो कहीं ना कहीं वेल्थ को कमाने पर जोर दिया है, अर्निंग पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिया है। वेयर एज मार्शल गिव्स, अल्फ्रेड मार्शल ने जो इम्पोर्टेंस दी है वो ह्यूमन वेलफेयर को दी है एज मोटिव बिहाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यानी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के ऑथर कौन थे? तो इसके ऑथर थे प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स, यानी प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स ऑथर थे इस बुक के, और ये पब्लिश हुई थी 1932 में।
इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स ए साइंस है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूसेज। इनकी ये डेफिनेशन थी लायनल रॉबिन्स की। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है चॉइस का, और इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज। इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया कई ग्राउंड्स पे, जैसे कि बोला गया कि डेफिनेशन एक इम्प्रैक्टिकल है और डिफ़िकल्ट भी है एंड नथिंग टू डू विद वेलफेयर ऑफ मैन, और इसका कोई वेलफेयर मैन के वेलफेयर से लेना देना नहीं है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन कहे जाते हैं? तो गॉटफ्रेड एकेनवाल को इसका फादर कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स का। What was statistics called in the ancient times? Ancient times में statistics को क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे science of state या science of kings। तो science of state या science of kings के नाम से जाना जाता था ancient times में statistics को। Meaning of statistics in singular sense में अगर देखें statistics का meaning, तो इसका meaning है कि in singular sense statistics means statistical methods। स्टैटिस्टिकल मेथड से मतलब है सिंगुलर सेंस में अगर देखें, और प्लूरल सेंस में अगर देखें तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट ऑफ डाटा रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। अच्छा, ये डेफिनेशन किसने दी? बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तो ये डेफिनेशन दी गई थी प्रोफेसर यूल एंड केंडल के द्वारा। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि छोटी वीडियो बनाई थी मैंने। आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छी वीडियो आएगी, ठीक है। हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ शिकायत भी हो, पर कहीं ना कहीं जो आने वाली वीडियो है वो बहुत अच्छी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उस वीडियो से। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत अच्छी है माई फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।